तो इस तरह का कटिंग किया जाता है सरोता से आम का। इसे यूट्यूब में मैं सर्च किया तो उसे आम पना बोला जाता है। हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है हितेश कुमार। मैं बहुत दिन से सोच रहा था, जैसे कि अभी सीजन चल रहा है आम का, तो अभी हर घर अभी लोगों का यह है कि अचार डालना है, हर घर अभी अचार डालने का काम ही चल रहा है अभी लॉकडाउन में। तो मैं भी सोच रहा था यार बहुत दिन से कि हम लोगों के यहाँ भी अभी अचार है वो ख़त्म हो गया है, तो अचार डालते हैं करके। तो अभी हम लोग जाएंगे आम का बगीचा। मैं एक पहचान के है उससे मैं बात किया हूँ, तो बोले कि आप आ जाइए, आम वगैरह तोड़ने वाले हैं, तो आज चलेंगे और हम लोग अभी बगीचे से लाएंगे आम। आज का जो मौसम है दोस्तों वो भी ठीक है, अभी 2-3 दिन लगातार बारिश होने के बाद आज थोड़ा बहुत अच्छे से धूप हुआ है, और धूप का भी अभी कोई गारंटी नहीं है। तो जैसे ही दोपहर होता है, शाम को होता है, और अचानक से बदली आ जाता है, मतलब बारिश का मौसम पूरा बना लेता है। लेकिन कोशिश करते हैं यार, अगर मौसम अच्छा है तो, अगर मौसम अच्छा रहेगा तो अचार डालना भी अच्छा है, क्योंकि थोड़ा देर उसको सुखाना भी पड़ता है आपको। दोस्तों ये है आम का पेड़, और अचार के लिए आम कैसा तोड़ा जाता है उसको आपको मैं दिखला रहा हूँ। नीचे तो बहुत सारे बच्चे लोग जाल पकड़ कर खड़े हैं, और ऊपर से आम के पेड़ को हिलाया जाएगा, और यहाँ से जब आम गिरेगा ना तो इस जाल में गिरेगा, जो अचार के लिए बेहतर है। ज़मीन में अगर गिरता है ना तो अचार है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए जाल में इसको गिरा रहा है। तो अभी मैं गया था आम का बगीचा, और वहाँ से भी लेकर आ चुका हूँ आम, और आम को भी पानी में भिगा दिए हैं। और आपको जिस बर्तन में यहाँ अचार डालना है उसको भी दिखलाता हूँ किस तरह का बर्तन होता है। बहुत ओल्ड वाला है जिसको मैं अभी दिखलाने वाला हूँ, और आपको बहुत पुराना सरोता भी दिखलाने वाला हूँ जो मेरे यहाँ बहुत पुराने टाइम से रखा हुआ है। तो ये आपके सामने है दोस्तों बर्नी, ये ऊपर थोड़ा सा इसको टूट चुका है, बहुत पुराना है और इसका यूज हमें पड़ा ही नहीं। और ये देखो, तो इसी में अभी अचार डालना है। अभी मैं 100 पीस लेकर आया हूँ आम, और उसका यहाँ 250 रुपये सैकड़ा पड़ा। अभी तुरंत आपने देखा ना, पेड़ से तुरंत उसे तोड़ा गया और उसे हम लोग लाए हैं। तो बहुत अच्छा क्वालिटी का आम है, आम को भी मैं दिखलाता हूँ, और इसी बर्नी में डालेंगे। बहुत पुराना है बर्नी, फर्स्ट बार यूज हो रहा है, याद भी नहीं है कब इस बर्नी में डाला गया था, चीनी मिट्टी के हैं। इस तरह का हम लोग आम लाए हैं, काफ़ी अच्छा साइज के हैं अचार के लायक, और इसे पानी में भी एक टब में अभी डुबा दिए हैं जब तक ये पानी में भीग जाता है, और उसके बाद इसका अच्छे साइज से इसका वो काटेंगे अचार के लायक। और इसे नॉर्मली सरोता से काटा जाता है अचार के लिए, आपको मैं दिखलाता हूँ किस तरह से काटा जाता है। और काफ़ी अच्छा साइज है यार, और अच्छा क्वालिटी का है, 250 रुपये सैकड़ा पड़ा, कहीं कहीं तो कम भी है और कहीं कहीं ज़्यादा भी है। वो इस टाइप का होता है सरोता, और ये सबसे पुराना है हमारे यहाँ, बहुत पुराना है। उस टाइम का भी बोल सकते हैं जब आसपास में किसी के यहाँ भी नहीं था, उस टाइम का बहुत पुराना है। और एक टाइम हुआ करता था जब इसी सरोता का यूज आसपास में पूरा करते थे, लेकिन आज की डेट में सभी लोग खरीद चुके हैं, इस वजह से अब अपना अपने पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का कटिंग किया जाता है सरोता से आम का, और क्वालिटी भी अच्छा है, आप देख सकते हो इसमें इसका कितना मोटा है, और इसके जो अंदर में निकलते से गोही बोलते हैं जो बीज होता है उसे। और इन महाशय को देखिए कैसा सोया है, हैं ये बेचारा कब्रों के ऊपर, ये भूरू छोटा भूरू हैं ऐसे सोया जाता है रे होशियार है भूरू, ये बेचारा कब्रों पहले से सोया है उसके ऊपर, ये होशियार इसके ऊपर सो गया है कब्रू। और
ये ना ये कबरू का ना ये भाई है, देखो ये दोनों भाई बहन है ना, वो लोग दोनों सोए हुए हैं मस्त। और ये ना बहुत शरारती है छोटा भोरू, ऐसे सोया हुआ है बेचारा कबरू ना, तो उसके ऊपर ये भी सो गया है। चलो सो आराम से, ये थोड़ा देर के लिए इसे धूप में सुखाना है। तो देखो ये अच्छे से धूप खाएगा ना, तो इसका बेनिफिट ये है कि अचार है वो जल्दी ख़राब नहीं होता, इसलिए इसे धूप दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा देर ऐसे धूप पड़ना चाहिए, उसके बाद अचार डालना शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छा धूप भी है, थोड़ा थोड़ा बदली भी होते जा रहा है, लेकिन इसके लायक धूप इसको मिल जाएगा जितना इसको चाहिए। और अपना बर्नी भी है, धूप में काफ़ी देर से रखा हुआ है, बहुत दिन बाद इसका यूज हो रहा है, तो काफ़ी ये भी गर्म हो गया है। तो इसको भी हम लोग धो के सुखा दिए थे धूप में, तो किसी तरह का अचार ख़राब ना हो इसलिए। अभी के मौसम में ना दोस्तों, हम लोग विश्वास है ना वो बिल्कुल नहीं कर सकते यार। अभी थोड़ा देर पहले एकदम धूप था और अभी एकदम से बदली आ गया है, ऐसा हो गया कि 2 मिनट में ही बारिश हो जाएगा, इस तरह का मौसम हो गया है। इसे बोलते हैं अपने छत्तीसगढ़ में घाम पानी, क्योंकि पानी भी गिर गया और फिर से धूप भी हो गया। ऐसा ही होता है अभी के मौसम में, अचानक से पानी गिर जाता है, फिर अचानक से धूप हो जाता है। तो अभी डेली इसी तरह के मौसम भी हो रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बहुत जगह भी यही सिचुएशन है। ये मौसम अभी परफेक्ट नहीं है, गर्मी की समय भी अभी बारिश हो रहा है और पानी का ज़रूरत रहेगा, उस टाइम पानी ही नहीं गिरेगा। अचार के लिए जो आम लाए थे उसमें से 2 आम मैंने उबाल लिए हैं, इसको हम लोग आम पन्ना जलजीरा क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बनना, वो हमें बनाना है, उसके लिए आपको मैं दिखला दूंगा। तो आम तो अच्छे से उबल चुका है, चलिए इसको बनाते हैं। बहुत मेहनत के बाद हम लोगों का बन चुका है आम पना का रेसिपी। अभी इसे YouTube में मैं सर्च किया तो उसे आम पना बोला जाता है, फिर नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं एक दो बार ट्राई किया हूँ और इस बार बना के देखा, और इसमें जो खट्टा मीठा वाला है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम लोग जैसे कि पानी पूरी का पानी बनाते हैं ना, सेम उसी तरह का है, सेम उसी मेथड से मैं बनाया हूँ और काफ़ी अच्छा है, टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, खट्टा मीठा है वो, और खट्टा वाला तो ऐसे भी मुझे पसंद नहीं आता, खट्टा मीठा ही ठीक लगता है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो हमारे दिन भर के मेहनत के बाद अब फाइनली अभी डालने वाले हैं आम का अचार। आम तो पूरा तरह से हमने धूप में थोड़ी देर के लिए सुखा भी दिया था, तो आम भी रेडी है और उसका मसाला भी रेडी है, और बर्नी में डाला जा रहा है अचार। एक लेयर आम का और उसके ऊपर फिर मसाला, फिर आम, फिर मसाला, से करते करते फाइनली लास्ट में आपका डल जाता है आम का अचार है वो। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम लोग घर में डालते हैं जो आम का अचार है उसे। आप लोग किस तरह से अचार डालते हैं उसे हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। और इसमें मैं जो सौंफ है उसे ऐड करवाया हूँ मसाले में, क्योंकि सौंफ का जो टेस्ट है वो मुझे अच्छा लगता है, तो आप लोग भी कमेंट कर बता सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।